सेकंड देना था सेकंड यही है, खिलजी की भी धरती यही है, औरंगजेब की भी धरती यही है, यही और खिलजी और औरंगजेब को आप भगवान मानते हैं? खिलजी और एक मिनट, खिलजी और औरंगजेब को आप पूजते हैं पहला ये बताइए, और दूसरा वो बाहर से आए थे आपको नहीं पता है? खिलजी की धरती नहीं है बॉस, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, ये खिलजी की धरती नहीं है, इस देश के सीने पर रौंद कर चला गया वो, और आप कह रही है ये खिलजी का देश है। आप खिलजी को सिर पर बैठा के रखिए, क्योंकि आपको खिलजी का धर्म दिखता है, हमको देश दिखता है, और हम खिलजी का देश नहीं मानते इसको। अच्छा बात नहीं है। तो आज के स्टूडियो में सुशांत सिन्हा ने माजिद हैदरी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि माजिद हैदरी मुगल और खिलजी को भगवान बता रहे थे और उसकी तुलना भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से कर रहे थे। तो इसी बात पर जब सुशांत सिन्हा ने उससे सवाल किया तो वो अपनी कहे बातों को सही साबित करने पर तुल गए। तो इसी बात पर सुशांत सिन्हा ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, जिसके बाद माजिद के पास कोई जवाब नहीं था और वो डिबेट से भाग गया। तो अब आए क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। देखिए सुशांत भाई, आज इस चर्चा में चर्चा के लायक कुछ रहा नहीं, केवल मातम में मना सकता हूं। मातम इसलिए मना सकता हूं क्योंकि एक बड़ा वकील जो इस मंच पे बैठा है वो कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सेक्युलर नेशन को कहा जा रहा है, संविधान शायद इन्होंने पकड़ा नहीं है वकील को, केवल सेक्युलर नेशन है भारत। तो सबसे पहले ना हम ठीक है, ये भगवान श्री राम की धरती है मैं आदर करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की धरती है मैं आदर करता हूँ, बुद्धा की धरती आदर करता हूँ, सुशांत 10 सेकंड देना, 10 सेकंड यही है, खिलजी की भी धरती यही है, औरंगजेब की भी धरती यही है, खिलजी और औरंगजेब को आप भगवान मानते हैं? खिलजी और एक मिनट, खिलजी और औरंगजेब को आप पूजते हैं पहला ये बताइए, और दूसरा वो बाहर से आए थे आपको नहीं पता है? खिलजी की धरती नहीं है बॉस, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, ये खिलजी की धरती नहीं है उसको खिलजी, एक मिनट सर मैं आपको बहुत क्लियर लाइन बता दूं, एक मिनट मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, खिलजी खिलजी वॉज अ टेररिस्ट जिसने आकर यहाँ आतंक फैलाया, इस देश को लूटा। अगर अगर इस देश का होता, अगर इस देश को अपना मानता तो इस देश को लूट नहीं रहा होता खिलजी। सो सॉरी टू से खिलजी का देश नहीं है ये। रिजवान अहमद 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। अरे माजिद हैदरी, आप खिलजी को सिर पर बैठा के रखिए, क्योंकि आपको खिलजी का धर्म दिखता है, हमको देश दिखता है, और हम खिलजी का देश नहीं मानते इसको। सुशांत भाई, इस देश के सीने पर रौंद कर चला गया वो, और आप कह रही है ये खिलजी का देश है, व्हाट अ शेम। आ रहा हूं असगर भाई, एक मिनट पहले रिजवान अहमद बोलिए। माजिद हैदरी, मैंने आपको सुन लिया, मैं देश के खिलाफ नहीं सुन सकता तो नहीं सुन सकता, आपको पसंद आए नहीं आए, मैं खिलजी का देश इसको नहीं मानता कैटेगोरिकली, कैटेगोरिकली बात खत्म, इस पर डिबेट नहीं होगी, राष्ट्रवाद में खत्म हो गया मामला। अरे भैया खिलजी का देश नहीं है, बात खत्म, आवाज कम कीजिए, रिजवान अहमद बोलिए। आज एक बड़ा अजीब आर्गुमेंट सुना भाई, हमारे माजिद भाई ने कहा कि सेक्युलर देश को रिजवान साहब हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। हेलो, वसुदेव कुटुंबकम इस देश में तब से है जब से पहले मुसलमान ने दक्षिण भारत में अपने पांव नहीं रखे थे, भारत सेक्युलर तब से है जब पर्जिया से पारसी भाग भाग के आ रहे थे इस्लामिक आतंक और मुसलमानों के आतंक से डर के, और यहूदी आ रहे थे और भारत ने उनको जगह दी थी। आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि ये देश मुसलमानों की वजह से सेक्युलर है। जनाब ये देश तब से सेक्युलर है जब से कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल नहीं हुई थी। जितना भी इस देश में आज भी सेक्युलरिज्म है वो सनातन की वजह से है। ये लोग हमेशा डिबेट में आकर ऐसे ही बातें करते हैं कि हमेशा ये लोग सामने वाले से सुनकर ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग बोलने से पहले सोचते समझते नहीं है, जो मन में आया बक देते हैं ऐसे, और इसी वजह से अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।